नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, चीनी सामानों का बहिष्कार कैसे हो। अब चाइना का सामान तो हमारी जिंदगी में बड़ा घुल मिल गया है, और अभी मेरे कुछ मित्रों ने कल के वीडियो के बाद मुझे फोन भी किया और ये आग्रह किया कि भाई इस विषय पर भी बोलिए। सोनम वांगचुक जो प्रयास कर रहे हैं थ्री इडियट में, जिनको आपने देखा था, तो थ्री इडियट की कहानी जिन पर बनी ऐसा कहा जाता है, तो उनका एक वीडियो मुझे भेजा गया, वो मैंने भी सुना। क्वाइट इम्प्रेसिव, देशभक्ति से परिपूर्ण भी लगता है। और वो खुद बताते हैं कि मुझे, मेरा फोन जो है वो चाइना का है, और मैं जिस फोन से अभी आपसे बात कर रहा हूँ और जिस पर आप मुझे देख रहे होंगे, शायद वो भी चाइना का होगा, या जो टेलीविजन आप देख रहे होंगे या जो लाइट की रोशनी होगी, अभी तो आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है कि कौन कौन सा सामान है। अब पहली चीज, इसको इसका मतलब समझ लीजिए, और आज मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूं जो बहुत ही प्रैक्टिकल है और बहुत जरूरी है। निश्चित तौर पर चीन के बुलेट का जवाब, बुलेट से जवाब नहीं देना है, वॉलेट से जवाब देना है, या उसके वॉलेट का हमला जो है वो ज्यादा खतरनाक, और चीन डरता इससे बहुत ज्यादा है। वो इतना धंधेबाज देश है कि जरा से में वो परेशान हो जाता है, उसको अगर आर्थिक रूप से आप तोड़ दें, क्योंकि उसके सारे प्रयास ही अर्थशास्त्र की दिशा में है। इटली के साथ में उसने जो पैक किया था, जो इतना बड़ा उसने कंस्ट्रक्शन का अपना एक पूरा अभियान चला रखा था, और वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, वो तो खत्म होने वाला प्रोजेक्ट है। अब उसको मान के चलिए कि वो बहुत लंबे समय के लिए ठंडे बस्ते में चला गया। लॉन्ग टर्म के लिए चाइना की इकोनॉमी बहुत कमजोर होने जा रही है, पहली चीज। भारत बहुत बड़ा योगदान करता है, आपको अंदाजा नहीं होगा कि कुछ अभी तक हम दूसरे नंबर, गैस और ऑयल के बाद दूसरे नंबर पर मोबाइल फोन सबसे ज्यादा खरीद रहे हैं हम चाइना से। और उसकी वजह क्या है, आपको एक तो पहले तो बहुत महंगे महंगे मोबाइल मिले, फिर इन्होंने 10-10, 5-5 हजार रुपए में, 8-8 हजार रुपए में आपको ऐसे मोबाइल देने शुरू कर दिए जिनमें वो सारे फीचर्स थे जो बड़े बड़े महंगे, या उससे पहले अमेरिका के मोबाइल से आपके पास आ सब विदेशी कंपनियों के, क्या हमारे यहाँ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती। पिछले एक साल में हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है, जिस तरह से स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ही इंटेलिजेंट ब्रेन है। जुगाड़ तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, हम कोई भी चीज अगर दुनिया में कोई कुछ कर रहा है तो उसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये जो जितने एलईडी बल्ब और इन सबको आप देखते थे उल्लासनगर में, इसमें कब से हमारे यहाँ पर इन चीजों को बनाया जाता था, और ये भी आरोप लगते हैं कि कई चीजों के डिजाइन चोरी कर करके दुनिया भर में इनको बनाया जाता है, क्योंकि ऑर्गेनाइज नहीं है। हमारे यहाँ पर जो पहले की सरकार रही है उसने सचमुच में इस पर कभी काम नहीं किया। अब वो बात करते हैं स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप्स की, या फिर लोगों को व्यवसाय, हमारे यहाँ मजदूर तैयार किया जाता था और हम गाइड होते थे कहीं और से, हमको आउटसोर्स के लिए बहुत इस्तेमाल किया गया, मतलब आपको मजदूर चाहिए आप आउटसोर्स कर लीजिए, आपको कोई मोबाइल बनवाना है उसकी असेंबलिंग कहीं और हो जाएगी लेकिन उसके सारे पार्ट्स यहाँ से बना कर ले जाइए, इलेक्ट्रॉनिक्स बनाना है सारा यहाँ पर आपको सस्ता लेबर मिल जाएगा। तो बांग्लादेश और भारत इन सबका इस्तेमाल इसके लिए बहुत ज्यादा होता है, होता रहा था। अब हमारे यहाँ पर ये जो आत्मनिर्भरता की बात कही जा रही है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये बहुत कड़ा जवाब है, क्योंकि अब आप उन सारे प्रोडक्ट्स को अपने यहाँ पर बनाने के लिए प्रमोट करें, देखिए कोई इंडस्ट्री रातों रात नहीं लगती है, इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, चिन्हित करना पड़ता है, उसके लिए वो स्किल्ड लेबर भी चाहिए, बार बार स्किल डेवलप, अब आपको कोई काम आना भी चाहिए ना, सिर्फ आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी ये कहने से काम नहीं चलेगा। बात सही है, आज हम सबसे ताकतवर क्यों है, क्योंकि दुनिया भर में सबसे ज्यादा यंगस्टर्स जो है वो हिंदुस्तान में, सबसे ज्यादा कम उम्र के लोग जो है, मतलब सबसे ज्यादा जवान आबादी पूरी दुनिया की हम हैं। तो आप समझ लीजिए काम करने वाले मेहनती या स्वस्थ लोग हमारे पास ज्यादा हैं। अभी करें क्या, इनको आता क्या है, वो इसी यहीं पर कौशल विकास या स्किल डेवलपमेंट का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस स्किल डेवलपमेंट को बहुत ही क्रियान्वित करने के लिए आप उस पुराने धर्रे पर नहीं जा सकते जिससे हमारी योजनाएं लागू होती रही है, क्योंकि वो जाकर फिर जब लोकल स्तर पर जाती है तो राज्य सरकारों का झगड़ा होता है, राज्य सरकारें कोऑपरेट नहीं कर रही है, अधिकारी जो है वो कहीं मक्कार निकल आते हैं, वो काम नहीं करते, कुछ अधिकारी बहुत अच्छा काम करते हैं, कुछ अधिकारी बिल्कुल काम नहीं करते हैं, कुछ अधिकारी इतने उम्र दराज हो गए कि वो इन नई चीजों को जानते ही समझते नहीं है, वो तकनीक से क्या उनका कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं होता, या स्मार्टफोन्स को वो ढंग से नहीं चला पाते। तो इन लोगों से आप अपेक्षा, इसके लिए बाकायदा एक अलग से टास्क फोर्स या विशेषज्ञों को शुमार करके इस पर काम करने की, ये सपना बहुत अच्छा है और परफेक्ट है, ये परफेक्ट है। इससे आप चाइना के जो बुलेट का जवाब है या उसको बुलेट से जवाब देने के बजाय उसके वॉलेट पर हमला कर सकते हैं। चाइना किस चीज से डरा हुआ है, वो भारत को क्यों डरा रहा है, जितना प्रोडक्शन अभी इस वक्त हो रहा है जो आउटसोर्स किया जा रहा है वो चाइना से हो रहा है, लेकिन उसने उसको व्यवस्थित कर लिया है।
अमेरिका में जितना सामान जाता सब मेड इन चाइना जाता है, यूरोप में जितना सामान जाता है चाइना, चाइना की इकोनॉमी स्ट्रांग इसी से हुई है कि उसने अपने आप प्रोडक्शन निर्यात को बढ़ाया है। आप निर्यात को बढ़ाइए, इन्हें सामान ज्यादा से ज्यादा बाहर भेजिए। हमारे पास निर्यात के लिए बहुत कुछ नहीं, हम मछली भेजते हैं या दूध के प्रोडक्ट्स भेज सकते हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं, और इनमें भी हमको पहले अपने देश की चिंता करनी, या जैसे अभी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन है, आप देखिए कि बद्दी जो है वो हिमाचल प्रदेश का बद्दी, वो एशिया का सबसे बड़ा फार्मा का हब है, तो हमने ऐसी चीजों को डेवलप किया है। और ये 2002 में ये प्रयास शुरू हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी, और उसके बाद में फिर अब धीरे धीरे उसको बढ़ाया जा रहा है। तो ऑर्गेनिक खेती हो, ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये तो हमारी स्ट्रेंथ है ही, इनको बढ़ाने के साथ साथ में जो हम निर्यात कर रहे हैं अभी, हमें अपनी निर्यात क्षमता को तकनीक के स्तर पर भी बढ़ाना होगा सिर्फ। और उसके पहले जैसे अभी आपने दवाई के बारे में सुना होगा कि पहले दवाई हम अपने लिए पर्याप्त कर ले फिर हम विदेशों को दे पाएंगे, तो इसी तरह पहले हमको अपने लिए सामान, अगर हम बहुत मतलब हजारों करोड़ की तादाद में हम या इतनी रकम खर्च करके मोबाइल खरीद रहे हैं या टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं, तो हम पहले इन मोबाइल का निर्माण अपने यहाँ करें, तो हमारी ये जो खरीदने हमारी जो आयात है पहले तो इसको कम करें, और जब हम इसको रिकवर कर लें, पहले इसको रोक लें, तो उसके बाद में हम इसका निर्यात बढ़ाएं। इसी से चीन डरा हुआ है, इसी को कभी करने नहीं दिया जाता, ना अमेरिका करने देता है ना चाइना करने देता है, क्योंकि जिस दिन भारत ये कर लेगा हम वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी में शामिल हो जाएंगे, और बहुत तेजी से जी, ये बहुत समय लगा है ना इन लोगों को, इतना समय आपको नहीं लगेगा, भारत को नहीं लगेगा, क्योंकि भारत के पास में क्या है, सिर्फ चीजें अनऑर्गेनाइज्ड है, हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर वैसे ही बहुत बड़ा है, इसको ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। तो इसको ऑर्गेनाइज कैसे किया जा सकता है और क्या किया जा सकता है, इस पर तो बहुत विस्तार से बात करनी होगी, लेकिन जहां तक इस वीडियो का सवाल है, अगर आपको चाइना को जवाब देना है तो सबसे पहले तो आप ये जो एप्लीकेशन वगैरह है, तो बेफजूल की तो आपने एप्लीकेशन डाल रखी, मुझे पता नहीं कि आपको इतनी एप्लीकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, उनको आप हटाइए सबसे पहले, व्हाट्सएप फेसबुक से यूट्यूब से काम चल जाता है, या ये जरा महत्वपूर्ण दिख रही है इनको रखे रखिए, बाकी की आप देखिए कौन कौन से गेम्स खेल रहे हैं, किन किन फालतू चीजों में लगे हैं, उनको हटाइए, कोशिश ये फेस के एप्स हैं या पता नहीं क्या क्या मैं देखता हूं आजकल बच्चे इस्तेमाल करते हैं, तो इन चीजों को हटाइए। और वो आजकल आइडेंटिफिकेशन करने के लिए ऐसा एप्लीकेशन आ गया जो चाइना के एप्स को आइडेंटिफाई करता है, डिलीट कर देता है, और हमारे यहां पर धीरे धीरे, अच्छा देखिए चाइना कितना चालाक है, उसने खुद कभी किसी बाहरी को अपने यहां नहीं आने दिया, उसके यहां ये सब एप्लीकेशन इस्तेमाल नहीं होते जो बाहर बने हुए हैं, व्हाट्सएप तक इस्तेमाल नहीं होता, यूट्यूब तक इस्तेमाल नहीं होता, आप आश्चर्य करेंगे, कोई ऐप बाहर का इस्तेमाल नहीं होता वहां पे, ये है स्ट्रैटेजी, और यही चालाकी उसको अभी तक ग्रो करते रहे। लेकिन उसने एक बड़ी गलती कर दी है, उसने गलती ये करी कि उसने निस्वार्थ भाव से काम नहीं किया, वो बहुत स्वार्थी है, वो परमार्थ की तरफ ध्यान नहीं देता, बहुत ही घटिया देश है, या नेता उसके बहुत घटिया है, और अपने लोगों को गुलाम बनाकर रखा, तो उनकी असंतुष्टि उस पर बहुत भारी पड़ेगी। भारत में ये दोनों ही चीजें बहुत खूबसूरत, हमारा खूब विरोध होता है, खूब गाली बकते हैं हम एक दूसरे को, साफ एक बहुत विरोध है, अभी इस पे भी हो सकता है विरोध कर दें, या मुझे भी बहुत से लोग बहुत कुछ कह देते हैं, बट फिर भी हम हिंदुस्तानी, कुछ मामले होते हैं जिनमें हम साथ में खड़े होते हैं, ये हमारी खूबसूरती है। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ कोई गुलाम नहीं है, सब बहुत ही स्वतंत्र है अपनी बात कहने के लिए, प्रधानमंत्री तक को जो कहना होता है वो कह देते हैं, तो ये तो हमारे देश की खूबसूरती हुई। दूसरा ये है कि हमारे पास बहुत ही मेहनती मजदूर मौजूद है, लेबर मौजूद है, जिस दिन जरूरत पड़ेगी ना, जिस दिन आप लगा देंगे, तो अभी देखिए लाइन लग जाएगी, रोजगार की तो जरूरत है ही, आप देखते हैं छोटी सी नौकरी के लिए, सफाई कर्मी की नौकरी के लिए ग्रेजुएट और पीएचडी चले जाते हैं, तो हमारे यहाँ की स्थिति ये है कि जिस दिन आपको जरूरत पड़ेगी आपके पास लेबर की कोई कमी नहीं है। अभी लेबर माइग्रेट होकर गया, तो जहां माइग्रेट होकर गया था वहां पर लेबर की कमी उसने पूरी कर दी, जहां आपने घर में गया तो वहां पे भी लेबर्स की, हर जगह लेबर्स की जरूरत होती है, हमारे यहाँ पे लेबर मिल जाता है। अब हमें चाहिए कुछ ऐसे माइंड्स, ये जो स्टार्टअप्स को ग्रो करना शुरू किया, IITN से गुजारिश की जा रही है, लोगों को एनकरेज किया जा रहा है कि नौकरी के पीछे भागने के बजाय कुछ, ये वो माइंड्स हैं जो इनको सुपरवाइज कर सकते हैं या इनकी मेहनत का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मेहनत से भी कुछ नहीं होगा, मेहनत के लिए आपको एक अच्छा नेतृत्व भी चाहिए, तो कुछ अच्छे नेतृत्व करने वाले लीडरशिप वाले माइंड्स की हमको जरूरत है, और निश्चित तौर पर हम चाइना को मुंह तोड़ जवाब दे देंगे और वर्ल्ड की स्ट्रांगेस्ट इकोनॉमी बनेगी। मैं उम्मीद करता हूं ये बात कुछ आपको मेरी समझ में आई होगी, या मैं जो कहना चाहता था, मेरे मन की जो बात थी वो मैं आप तक पहुंचा पाया हूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इसी तरह से अपना स्नेह देते रहिए, तो मैं आगे भी कुछ बातें आपसे कहता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।